और आपको यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज के नीचे आपको यहाँ पर चैट लॉक का फीचर शो हो जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से भाई आप अपनी प्राइवेट व्हाट्सएप चैट को लॉक कर सकते हो, मतलब उसको हाइड कर सकते हो आपकी परमिशन के बिना, आपके फिंगरप्रिंट के बिना कोई भी आपकी व्हाट्सएप चैट को पढ़ नहीं पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको व्हाट्सएप के एक नए फीचर के बारे में जो व्हाट्सएप ने रिसेंटली लॉन्च किया है। भाई व्हाट्सएप एक बहुत ही पॉपुलर मैसेंजिंग ऐप है जिसका हम सब लोग यूज़ करते हैं, और उसका यूज़ भाई हम व्हाट्सएप पर चैटिंग के लिए करते हैं, या फोटो वीडियो सेंड करने के लिए करते हैं, या किसी टेक्स्ट को भेजने के लिए या मंगाने के लिए करते हैं। तो भाई व्हाट्सएप पर सबके साथ एक प्रॉब्लम होती थी, सब लोग व्हाट्सएप पर चैट करते हैं और सबकी भाई कोई ना कोई प्राइवेट चैट होती है, सबकी प्राइवेट जो है किसी से बातें होती हैं, और उन सबको जो है वो सबसे हाइड करके रखना चाहते हैं, पर वो उनको डर रहता था कि भाई ये हमारी प्राइवेट चैट कोई देख ना ले। अगर हम किसी को अपना फोन देते थे तो भाई हमें ये डर बना रहता था कि हमारी चैट वो देख ना ले, कहीं वो सीन ना कर ले, हमारी फोन ना खुल जाए। तो भाई इस प्राइवेसी को व्हाट्सएप ने ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप चैट का एक फीचर दिया है। व्हाट्सएप चैट पर आप लॉक लगा सकते हैं, उसको आप प्राइवेट कर सकते हैं, जो आपकी परमिशन के बिना आपकी चैट को कोई नहीं देख पाएगा। इससे फायदा होने वाला है भाई गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, जिनके भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उन सबको, जो भी प्राइवेट चैट करते हैं उन सबको इस चीज का फायदा होने वाला है। और भाई बहुत से लोग जो है उनको ये फीचर नहीं मिला है, मतलब व्हाट्सएप पर जो चैट करते हैं उस पर लॉक लगाने का फीचर नहीं मिला है। तो भाई जिनको ये फीचर नहीं मिला है उनको सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट करना है, और भाई जिनको मिल भी गया है उनको यूज करना नहीं आ रहा है, वो यूज कर रहे हैं मतलब वो उस पर लॉक लगा दे रहे हैं, किसी प्राइवेट चैट को प्राइवेट कर रहे हैं किसी चैट को और उस पर लॉक लगा दे रहे हैं, पर अब ये सोच रहे हैं कि उससे चैट कैसे होगी, वो आपको चैटिंग नहीं मिल रही, वो गायब हो गई है। तो वो सारी सेटिंग आपको बताऊंगा, आपको वीडियो पर पूरे बने रहना है, वही वीडियो को पूरे फॉलो करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। तो देखिए भाई ये मैं अपने व्हाट्सएप पर आ गया हूं, आपको दिखाता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप है, इस पर मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप अपनी किसी भी चैट को प्राइवेट कर सकते हैं, उस पर लॉक लगा सकते हैं, बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो भाई आपको यहां पर जिस भी चैट पर लॉक लगाना है वो सारी चैट आपके सामने है, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड की चैट पर लॉक लगाना चाहते हैं या अपने बॉयफ्रेंड की चैट पर लॉक लगाना चाहते हैं। तो देखिए जैसे मैं इस बंदे पर यहां पर लॉक लगाना चाहता हूं, ये देखिए मेरी ये दूसरा नंबर है, मैं इस पर ही चैट पर लॉक लगाना चाहता हूं, या आप किसी और पर भी लॉक लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसको ओपन करना है, इसको ओपन करने के बाद हमें इसके जो है प्रोफाइल पर यहां पर क्लिक करना है ऊपर। देखिए मैं आपको दिखा दूं आपको कहां पर क्लिक करना है, भाई आपको इस एरिया पे क्लिक करना है, यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखिए आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है डिसअपीयरिंग मैसेज, और यहां उसके नीचे मिलता है भाई चैट लॉक, ये देखिए चैट लॉक, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा फिंगरप्रिंट, मतलब अपने फोन में आपने जो है अपना फिंगरप्रिंट ऐड किया होगा, तो आपको क्या करना है आपको यहां पर इसको भाई इनेबल कर देना है, ये देखिए आपको ऐसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद ये आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा आपका, ये देखिए अगर आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन शो हो रही होगी तो आप उसको समझ जाना कि यहाँ पर ये पैटर्न या फिंगरप्रिंट लॉक मांग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट दे देता हूँ अपना। फिंगरप्रिंट देने के बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने व्यू पर क्लिक किया तो ये चैट भाई लॉक हो चुकी है, ये देखिए अब यहाँ पर आपको ये चैट नहीं शो होगी। अब मैं आपको दूसरी चैट पर लॉक लगा के दिखाता हूँ, इस पर मैं चैट पर लॉक लगाता हूँ, इस वाली पर देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऊपर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा और आपको यहां पर डिसअपीयरिंग मैसेज के नीचे आपको यहां पर चैट लॉक का फीचर शो हो जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इसको अनेबल कर देना है, ये आपको शो हो रहा है तो इसको अनेबल कर दोगे और यहां पर अपना फिंगरप्रिंट जो है आप ऐड कर दोगे, मतलब उसको दे दोगे तो वो आपका फिंगरप्रिंट यहां पर ले लेगा। उस वो चैट जो भी चैट आप यहां पर लॉक करोगे, जो हाइड करोगे, वो चैट सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से खुलेगी, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगी। तो ये यहां पर जो है चैट, दोनों चैट यहां पर भाई हाइड हो चुकी हैं या लॉक लग चुका है उन पर, और एक तरह से आप कह सकते हैं यहां से हाइड भी हो सकती है, यहां पर इस वाले सेक्शन में वो चैट आपको नहीं शो होगी। तो देखिए आपको क्या करना है भाई, उस चैट को देखने के लिए आप जो है आपको मिलती नहीं है, आपने लॉक लगा दिया है, चैट हाइड कर दिया, तो अब आप वो चैट यहां ढूंढते मिलती नहीं है। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो भाई आपको अपना जो यहां पर व्हाट्सएप का पेज है उसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो ऊपर आपको ये जो एक ऑप्शन शो होगा यहां पर लॉक चैट, इसमें आपकी सारी लॉक चैट शो हो जाएंगी और यहां पर आपको वही फिंगरप्रिंट देने के बाद उस चैट को ओपन कर दोगे, ये देखिए ओपन हो गए, दोनों चैट यहां पर शो हो गई और यहां से खोल के आप उनसे चैट कर सकते हैं, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो उनसे आप चैट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल का फीचर है। और दूसरा तरीका क्या है इसको यहां से ढूंढने के लिए, आपको यहां पर ऊपर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उस नाम को यहां पर आपको सर्च कर लेना है, ये देखिए जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां भी आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, तो आपको फिंगरप्रिंट दे देना है और वो चैट यहां पर ओपन हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं किसी चैट से लॉक हटाना तो देखिए आपको यहां पर क्लिक करना है ऊपर जो आपको चैट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस तरह से यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो
ये देखिए स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको चैट वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिंगरप्रिंट दे देना है और यहाँ पर वो चैट ओपन हो जाएगी। और जैसे इस चैट पर से हमें लॉक हटाना है, इस पे से ये चैट हमको हाइड नहीं रखनी है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है और भाई यहाँ पर आ जाना है चैट लॉक पर। ये देखिए चैट वाला ऑप्शन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप उसको इसको डिसेबल कर दो। डिसेबल करने के बाद आपको फिंगरप्रिंट मांगेगा ये आपसे। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आपको डिसेबल कर देनी है और फिंगरप्रिंट दे देना है। फिंगरप्रिंट देने के बाद ये चैट यहाँ से डिसेबल हो चुकी है, मतलब ये अब हाइड नहीं हुई है, हाइड नहीं रही है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ये चैट यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से भाई आप अपनी प्राइवेट व्हाट्सएप चैट को लॉक कर सकते हो, मतलब उसको हाइड कर सकते हो, आपकी परमिशन के बिना, आपके फिंगरप्रिंट के बिना कोई भी आपकी व्हाट्सएप चैट को पढ़ नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर था। तो भाई अगर ये सेटिंग आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक।